सुप्रभात बच्चों, आज हम संज्ञा सर्वनाम की गतिविधि करेंगे। मुझे पहचानो, एक संज्ञा है, एक सर्वनाम है, ये आपको अपने बारे में बताएंगे। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर कुछ पर्चियाँ बनी हुई हैं, आपको ये पर्चियाँ उठानी हैं और जो शब्द आएगा वो चाहे संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो, आपको उसके पीछे पहचान। सर्वनाम, चलिए शाबाश, आप उठाइए। बगीचा। बगीचा क्या है? बगीचा संज्ञा। शाबाश, चलिए। चलिए। फूल संज्ञा। शाबाश, पर्ची उठाकर चलो। शाबाश। पर्ची लेकर चलो। मुझको सर्वनाम। शाबाश। कुर्सी संज्ञा। शाबाश। यह है, ये सर्वनाम होता है। क्या है, क्या शब्द है, दिखाओ। दिल्ली, दिल्ली संज्ञा। हाँ ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। पर्ची लेकर चलो पुण्य। वेरोनिका। शाबाश। कुछ संज्ञा। सर्वनाम, सर्वनाम होता है कुछ। आपको सर्वनाम। शाबाश। विद्यालय, फूल, रोहन, सब्जी, मेज, सीधा, बगीचा, दिल्ली, खिड़की। जो सब संज्ञा की जगह प्रयोग होते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। आगे देखिए मेरे उदाहरण। ये, यह, मुझको, उसका, कौन,
आपको, मेरा, हमारा, तुमको, हमें, मैं, तुम्हारा, जिसका, मैं। आप सबको संज्ञा व सर्वनाम समझ में आ गए अच्छे से? संज्ञा और सर्वनाम क्या होते हैं, ठीक है?